करने के लिए जो टाइम लगता था आपको, हाँ, अब आपका मात्र 7 मिनट 8 मिनट में आपका एक एकड़ पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, और इसका चलाने का जो ट्रेनिंग वगैरह आपकी तरफ से उपलब्ध होता है? हाँ, कंपनी इसकी ट्रेनिंग देगी, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। जो नमस्कार किसान भाइयों, भारतीय किसान में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम सर से जानेंगे कृषि ड्रोन के बारे में सारी जानकारी, कितना एकड़ छींच पाता है, इसमें कितनी बैटरी होती है और ये कैसे काम करता है। तो सर इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, ये एक ड्रोन है। लाइक ड्रोन का सेंस ये रहता है कि आपका कम टाइम में आपका सारा काम हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आज के समय में एक एकड़ को आपको स्प्रे करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। वो हमारा 300 से 500 तक खर्चा भी आता है। हाँ, एक लेबर की कॉस्टिंग एक अलग चीज हो गई। हाँ, बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपकी, स्प्रे करने के लिए जो टाइम लगता था आपको, हाँ, अब आपका मात्र 7 मिनट 8 मिनट में आपका एक एकड़ पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ड्रोन के माध्यम से? जी, ड्रोन के माध्यम से। अब पानी की टैंक कैपेसिटी इसके 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। इसमें एक बार में 10 लीटर 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी होता है, जिसमें आपका एक एकड़ पूरा इजीली हो जाता है। यहाँ दो बैटरी लगती है आपकी, 16,000 mAh की दो बैटरी आती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी आती है। उसमें आपका कंटिन्यू अगर आप चलाते 16,000 mAh बैटरी, तो वो बैटरी आपकी 20 मिनट चलती है, मतलब 15 मिनट में आपका 2 एकड़ पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अलग अलग दी हुई है। फैसिलिटी के हिसाब से मैं बात करूं, जैसे इसमें रडार्स दिए हुए हैं। रडार का क्या होता है, आगे भी रडार है, पीछे भी रडार है, नीचे भी रडार है। आपने देखा होगा खेत में कई बार अपन स्प्रे करते हैं तो आगे क्या होता है, पेड़ आ जाता है, खंबा आता है, तार आ जाता है, तो ये उसको साइड में से निकल जाएगा, मतलब उससे टकराएगा नहीं। सेकेंडरी अगर बात करें, अगर जाने की जगह नहीं है तो ये वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे की बात करूं तो जैसे इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है, GPS ट्रैकिंग भी दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कहां कहां आपने स्प्रे कर रखा है, आप मैपिंग कर सकते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पर पूरा स्प्रे करना है, तो वो पूरा स्प्रे आप कर लीजिए वहां पर सभी जगह पे। ठीक है, वो पूरा स्प्रे करने के बाद क्या होगा कि अगर बाय चांस अगर पानी खत्म हो गया, आधा स्प्रे हुआ है, तो फिर इसको वापस आप रिफिल करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, तो वहीं से स्प्रे होगा जहां से आपने छोड़ रखा था। ये गूगल मैप में हमें एक्सेस देना पड़ता है, ये कहां से वो सिंचाई करेगा? हाँ, कहां कहां आपको एक मैपिंग करना रहेगा। ये टोटल क्लाउड मेमोरी पे चलता है, कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर है ये। और अगर आप इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं तो मैनुअल भी चला सकते हैं। इसमें आगे कैमरा भी लगा हुआ है कि जहाँ पर स्प्रे नहीं हुआ आप देख सकते हैं कहां स्प्रे हुआ, और आप वहां से आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्लाउड इरिगेशन से, जैसे बारिश होने वाली, अगर ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और ये उड़कर जहाँ से टेकअप हुआ था वहीं पे आके लैंड हो जाएगा ये वापस। हाँ, बैटरी डिस्चार्ज होने में ऐसा रहता है कि 75% अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, 25% के अप्रोक्स अगर बैटरी बचती है, तो जहाँ से टेकअप हुआ वहीं आके लैंड हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से इसको नुकसान नहीं होगा, वहीं आके बैठ जाएगा, प्रॉब्लम रेस नहीं होती है इसमें। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और इजी यूज करने के लिए। इसका रिमोट भी आप देख सकते हैं, रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट पे भी ऑन स्क्रीन चलेगा ये। हाँ, ऑटो में भी चलेगा, मैनुअल भी, हम रिमोट पे भी। हाँ, रिमोट पे भी पूरा स्क्रीन व्यू होता है। हाँ, पूरा वहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे आपका जो इसमें कैमरा है वो कैमरे का प्रेजेंट कहाँ पर होगा, आपके रिमोट पे होगा। आप रिमोट में देखिए कि कहाँ कहाँ मैंने स्प्रे कर रखा है, कहाँ कहाँ नहीं करा हुआ है, और जहाँ से नहीं करा वहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा सर इसका जो कॉस्ट कितना तक जाएगा हमको? सर देखिए, अभी एक जो ऑन MRP बात करूँ, 9.5 लाख रुपए की इसकी MRP है। अभी सब्सिडी हमारी आने वाली है, जैसे सब्सिडी आती है सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब जो भी सब्सिडी आती है उसके अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा, DG से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये हमारा। तो ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है ये। जो भी FPOs होते हैं, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, कस्टमर हायरिंग सेंटर्स होते हैं, महिला वालों का जिसका चलता सब्सिडी का, सारे सब में मिलेगा सब्सिडी। और इसका चलाने का जो ट्रेनिंग वगैरह आपकी तरफ से उपलब्ध होता है? हाँ, कंपनी इसकी ट्रेनिंग देगी, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, जो कि इंदौर ऑफिस में होगी। 3 दिन में लगभग आदमी सीख जाता है इसको चलाना? हाँ, बिल्कुल इजीली, बहुत इजी, बहुत। आप ये नहीं बोल सकते कि जरूरी नहीं कि कोई एजुकेटेड ही चला इसको। जो नहीं है कि किसान है जिसने आज तक पढ़े भी, वो भी इजीली चला सकता है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल चलाने सबको आ चुका है, तो रिमोट भी एक बहुत छोटी सी चीज हो गई है। और अगर आपको कुछ खरीदने में ऐसा लगता है कि यार बहुत महंगा है, कौन खरीदेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, पास में किसी डीलर से परचेस कर रेंट पे भी ले सकते हैं, इसको चला सकते हैं। आपका 600-700 रुपए पर एकड़ में डीलर भी दे देता है। सर, आपने अभी मध्य प्रदेश में आसपास से उपलब्ध कराए हैं? हाँ, हमारी मध्य प्रदेश में इसकी सब्सिडी आ गई है, 40% की सब्सिडी है। वहाँ पे सभी लोगों ने इसको यूज भी करा और अच्छा रिजल्ट भी आया है। और इसमें एक्स्ट्रा चीज आप देखें, कार्बन फाइबर की बॉडी भी है इसमें। कार्बन फाइबर की बॉडी में ये होता है कि जैसे जंग लगना, खराब होना, ये कुछ भी नहीं होगा। जो जनरली एक प्लेन की जो बॉडी होती है, जिसका मटेरियल जो यूज करा जाता है, वही मटेरियल से पूरा यूज करा बना हुआ है इसको।
और इसके अलावा सर इसमें जो किसान भाइयों को चाहिए जानकारी क्या विशेष है, कंपनी से क्या अच्छा हमने इसमें बनाया? सर अदर कंपनी से क्लाउड इरिगेशन से जो अदर कंपनी में नहीं होता है, सबसे बेटर पॉइंट तो वही होता है। और इसके अलावा एक चीज है, आपने बैटरी का देखा होगा, बैटरी जनरली आपने देखा अभी जैसे 20 मिनट है, अब आपकी जमीन ज्यादा है तो आपने देखा होगा कि ड्रोन को मेरे को वहीं की वहीं चार्ज करना पड़ता है। हाँ, राइट। अब आपको वहीं पर चार्ज नहीं करना पड़ेगा इसको, ये रिमूवल बैटरी है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको। हाँ, यहाँ से आप रिमूव होकर इजीली इसको निकाल लीजिए वहां से और दूसरी बैटरी वहां पे एक्सेस कर दीजिए। एक चार्ज करने में भी इसमें टाइम आपको ज्यादा नहीं लगता, फास्ट चार्जिंग अगर आप करते हैं तो 35 से 40 मिनट में हो जाता है। और अगर इधर है लिथियम पॉलीमर, यहाँ बैटरी नहीं है अभी, लिथियम पॉलीमर बैटरी है इसकी, 16,000 mAh की दो बैटरी है, तो आप उसको निकालिए और दूसरी बैटरी यहाँ पे लगा दीजिए, कंटिन्यू हो जाएगी आगे बैटरी आपकी। कोई बड़ा प्लान करना सर, हम एक्स्ट्रा भी बैटरी मिल जाती है ना? बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने एक बार छोड़ा 20 मिनट चला फिर वहाँ से रिटर्न आया तो वो बैटरी निकाली, दूसरी बैटरी लगाई, उसको कंटिन्यू आगे कर दीजिए और इस बैटरी को चार्ज पे लगा दीजिए, तो आपके लिए इजी कन्वीनियंट हो जाता है। थैंक यू सर।